हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 7 गारंटियां दी हैं। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे रिलीज किया। साथ ही खड़गे ने बताया कि मैनिफेस्टो कुल 53 पन्नों का है। वहीं मैनिफेस्टो रिलीज करने के दौरान कई दिग्गज नेता मंच पर मौजूद रहे। साथ ही कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया है। 7 वादे पक्के इरादे के नाम से गारंटी जारी की है। वहीं कांग्रेस ने अपने इस मैनिफेस्टो में हर एक वर्ग पर फोकस किया है और 7 गारंटियां दी हैं। इन गारंटियों को पार्टी ने महिलाओं को शक्ति, सामाजिक सुरक्षा को बल, युवाओं को सुरक्षित भविष्य, हर परिवार को खुशहाली, गरीबों को छत, किसानों को समृद्धि और पिछड़ों को अधिकार नाम दिया है। वहीं इसके तहत पार्टी ने जो प्रमुख वादे किए हैं अब उसे भी जान लेते हैं। दरअसल पार्टी ने वादा किया है कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा, 2 लाख सरकारी पद को भरा जाएगा, कांग्रेस हरियाणा को नशा मुक्त बनाएगी, सरकार बनने के बाद चिरंजीवी योजना के तर्ज पर कांग्रेस 25 लाख का मुफ्त इलाज देगी, हर महिला को 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, दिव्यांगजनों, बुजुर्गों और विधवाओं को हर महीने 6,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। साथ ही MSP की कानूनी गारंटी देने की भी बात की गई है। जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की बात की गई है। वहीं 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया गया है। साथ ही 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज देने की भी बात की गई है। वहीं गरीबों के लिए भूखंड और 2 कमरों के मकान देने का भी वादा कांग्रेस ने किया है। साथ ही इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, ये आप भी सुनिए। आज हम जो 7 गारंटी जो हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से अनाउंस कर रहे, उस गारंटी को हम ये लागू करेंगे और इसीलिए हम इस गारंटी को रखे हैं नाम 7 वायदे पक्के इरादे। तो ये जो 7 वायदे हैं उसके अलावा भी मैनिफेस्टो में जो हमारा कम से कम 53 पेज का मैनिफेस्टो है वो तो बाद में वो लोग डिटेल उसको चंडीगढ़ में आपको बताएंगे, लेकिन ये जो वायदे हैं हम इसको पक्का निभाएंगे। इसके लिए आज AICC ऑफिस से ये घोषणा कर रहे हैं। जैसा कि पूर्व वक्ता ने अपने इस पॉइंट को वो बताया है, लेकिन मैं उतने तफसील में नहीं जाता। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे 7 पॉइंट जो है, वायदे जो है, इसको हम खासकर 7 वर्ग में इसका बंटवारा किया है। वहीं इसी बीच मैनिफेस्टो के जारी होने के बाद हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा ने दावा किया कि अब BJP जा रही है और कांग्रेस आने वाली है। अलग अलग वर्गों के लिए किए हैं, 7 सिक्योरिटी वो दी है, हमने गारंटी दी है, महिलाओं के लिए दी है, यूथ के लिए दी है, किसान के लिए दी है, ये कर्मचारियों के लिए दी है, 7 दी हमने। तो BJP कह रही है कि सरकार आ रही है, क्या कांग्रेस की जो वादे पूरे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, BJP जा रही है, कांग्रेस आ रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ये गारंटी जनता को कितना पसंद आती है ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा।